एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा मतलब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको जो भी मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है प्लीज़ उस पर लाइक ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि एक मोटिवेशनल मिलता रहे कि हाँ लोगों को ये मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन जो है यूज़फुल है और उन लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी अगर आपको अच्छे लगे तो इसको भी लाइक कर दीजिएगा। और आज मैं बताने वाली हूँ कि मेरे बैग में मैं मोस्टली क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि कैरी करती हूँ। और आप सबको भी, जो भी बिगनर्स हैं या फिर जो टीनेजर्स हैं, जो भी अभी बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है कि उन लोगों को भी क्या क्या अपने बैग में जो है कैरी करना होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्स्ट मैं बताती हूँ कि मेरे बैग में जो निकल रहा है वो है ये कारा का वाइप है। ये क्लिनजिंग एंड हाइड्रेटेड रिफ्रेशिंग वाइप से एलोवेरा और मिंट ऑयल से बना हुआ है। आप कोई सा भी वाइप जो है अपने बैग में रख सकते हैं। वाइप रखने का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जब भी हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो हम जो है डर्ट या पॉल्यूशन से जो है हमारे फेस पे जो एक लेयर आ जाती है, जिससे कि हमें क्लीन करने के लिए आप चाहें तो अपना आई मेकअप बिना रिमूव किए भी आप अपने इस वाइप से जो है अपने फेस के ऊपर जितनी भी डर्ट है आप इसे क्लीन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आपको ये रिफ्रेश जो है फील कराएगा। तो वाइप्स रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो मैं एक वाइप अगेन एक एक्स्ट्रा वाइप रखती हूँ, ये थोड़ा सस्ता है और ये मैं हाथ को क्लीन करने के लिए या फिर और भी कुछ जो हमें नीड्स हुई जाती हैं फुल डेज में, तो उससे रिलेटेड जो है मैं इस वाइप को रखती हूँ। ये 50 रुपीज़ में 25 वाइप्स हैं, तो ये आपको किसी भी लोकल मार्केट में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं। आप इस वाइप्स को भी रखें, इस वाइप्स की भी आपको बहुत ज़्यादा नीड रहती पड़ सकती है। तो मैं दो वाइप्स जो है ये जो है कैरी करती हूँ। थर्ड थिंग जो है मैं कैरी करती हूँ वो है डियो। तो डियो जो है मैं अपने पर्स में ऑलमोस्ट जो है कैरी करके चलती हूँ, चाहे मुझे ऑफिस जाना हो चाहे तो मुझे कहीं भी बाहर जाना हो, क्योंकि जो डियो है वो बहुत ज़्यादा हमारे स्किन को मतलब हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से रिफ्रेश करता है। और जब हमें बहुत ज़्यादा पसीने की होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो उससे दूर रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हर गर्ल्स के बैग में ये इम्पॉर्टेंट होता है कि होना चाहिए। आप चाहें तो छोटा भी रख सकते हैं जो आप बैग फ्रेंडली होता है उस टाइप से। नेक्स्ट मैं रखती हूँ ये मॉइस्चराइज़र क्रीम, ये निविया की है। मैं मॉइस्चराइजर क्रीम अपने साथ जरूर कैरी करती हूँ क्योंकि कभी भी नीड पड़ सकती है। ठंड में तो बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, गर्मियों में भी हमें कहीं ना कहीं पे जो है नीड पड़ ही जाती है, तो ये मेरे बैग में ऑलमोस्ट आपको मिलेगी। नेक्स्ट मैं कैरी करती हूँ ये कॉम अपने बैग में। हमें अपने बैग में कॉम बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है रखना, क्योंकि हमें ट्रैवल करते दौरान हमारे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, तो उसको नीट एंड क्लीन करने के लिए हमें इसकी नीड पड़ती है। नेक्स्ट चीज़ जो आ रही है मेरे पास वो आ रहा है कॉम्पैक्ट। और कॉम्पैक्ट रखने का मेरा दो रीज़न ये हो जाता है कि टू इन वन जो है पर्पस मेरा कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट इसके मैं रखती हूँ ये कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है, ये यहाँ पे टू इन वन है ये, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। मैं इसे कहीं भी एक मिरर का वर्क भी कर देता है और कॉम्पैक्ट से जो कि हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए और सेट रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, तो इसीलिए मैं अपने पर्स में कॉम्पैक्ट पाउडर भी रखती हूँ। और एक मैं रखती हूँ स्मॉल पाउच, इसमें जो है मेरे रैंडमली जो स्टफ़ होता है लाइक जैसे मेकअप से रिलेटेड काजल हो गया, बेबी क्रीम हो गया और लाइनर हो गया, उसका मतलब जो भी, बट मैं इसे हमेशा अपने साथ कैरी नहीं करती हूँ। बट ये जब भी मुझे लगता है कि मेरे को ट्रैवल करना है या मुझे नीड पड़ेगी मेकअप की, तब मैं इसको जो है कैरी करती हूँ। तो बट मैंने इसे अलग से बना के रखा हुआ है। इसमें मेरी दो तीन लिप शेड्स हैं जो कि मेरे को कहीं पे भी मतलब कलर से मैच, मतलब मेरी फेवरेट आप बोल सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बेस्ट, मतलब मैंने इसके अंदर दो तीन लिप शेड्स रखी हुई हैं, काजल रखा हुआ है, लाइनर रखा हुआ है, मस्कारा रखा हुआ है
और एक सीसी क्रीम रखी हुई है। तो मैं बहुत ही कम अमाउंट में ये जो है, अगर कभी मुझे जाना होता है तो मैं इसके अंदर जो है कैरी करके चली जाती हूँ। और इसके अंदर जो है मेरा जो एक मैं रखती हूँ सैनिटाइजर पैड, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी नीड पड़ सकती है, तो इसलिए मुझे कैरी करना बहुत ईजीली लगता है। एक मैं कैरी करती हूँ ये लिप बाम, लिप बाम भी रखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्योंकि लिप बाम आपको कभी भी मतलब, और मुझे लगता है हर 2 घंटे में 3 घंटे में हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए हमें लिप बाम की नीड पड़ती है। तो लिप बाम ये मैं अपने साथ कैरी करती हूँ। और एक अपने साथ मैं हमेशा कैरी करती हूँ सन ग्लासेस मैं कैरी करती हूँ बिकॉज ऑफ कि धूप से बचने के लिए, और कभी भी जैसे मेकअप आई मेकअप किया होता है तो वो बहुत जल्दी फैले ना या बहुत जल्दी डर्ट गंदा ना हो बाहर के उससे, तो इसीलिए जो है मैं इसे प्रेफर करती हूँ लगाना। और अपने साथ कैरी करती हूँ ये एयरफोन, ये मेरे बैग में हमेशा ही कैरी कर रखती हूँ मैं इसको अपने साथ, क्योंकि ये तो इसके बिना तो ट्रैवल जो है वो कंप्लीट ही नहीं होता है। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपको इस चीज़ की नीड बहुत पड़ती है। और मैं अपने साथ एक अपने बैग में रखती हूँ ये नोट पैड और पेन, जिससे कि मुझे कभी भी कोई भी चाहे तो आप इसमें इस टाइप का नोट पैड जो है कैरी करके चलती हूँ, और साथ में पेन। आप चाहे तो छोटी सी डायरी या छोटा सा भी नोट पैड आप इसमें रख सकते हैं अपने पास, जिससे कि आपको कहीं पे भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप उस चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहें। वैसे तो फ़ोन में सब चीज़ अवेलेबल है, नोट पैड वगैरह सब अवेलेबल रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें इन चीज़ों की भी नीड पड़ जाती है। तो मेरे बैग में ऑलमोस्ट आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ये बहुत ज़्यादा स्टफ़ नहीं है, बहुत छोटा सा स्टफ़ है, इसे आपको कैरी कैसे करना है ये आपके ऊपर बात है, लेकिन ये मेनली जो स्टफ़ है मेरे साथ रहते ही हैं। और बैग जो है मैं अपना जो पाउच है ये बहुत कम इसे मैं कैरी करती हूँ, अकॉर्डिंग कि मुझे जब पता होता है कि मुझे इसकी सबसे ज़्यादा नीड पड़ेगी तभी मैं इसे अपने साथ कैरी करके रखती हूँ। बट मैंने इसे जो है सेट के मतलब अरेंज करके रखा हुआ है, इसके अंदर एक दो आई शेडोज भी आपको मेरे मिल जाएंगे, तो इसको मैंने सेट करके रखा हुआ है। कभी भी बहुत ही जल्दी से अगर निकलना हो तो मैं इस बैग को लेके अपने साथ कैरी कर लेती हूँ और मेरा जो ट्रैवल है और भी इजी हो जाता है। तो आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाके सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और इस टाइप की वीडियोज़ पसंद है या आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो मैं उस पे वीडियो बना जरूर बनाने की कोशिश करूँगी। फिर मिलती हूँ।